दोस्तों, आपको IRCTC रेलवे का कंफर्म टिकट आपको बुक करना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कंफर्म टिकट कैसे बुक करेंगे। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा IRCTC पे आप कंफर्म टिकट कैसे आप बुक कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखना हमारे इस वीडियो को। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे का कंफर्म टिकट बुक करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च मारना है IRCTC, ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपको पहले वाले वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है। इस वाले वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप इसको ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको IRCTC का ID और पासवर्ड देके इसको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो IRCTC का ID और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉगिन करना है। अगर आपको पता नहीं है कि IRCTC का ID कैसे बनता है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लेना कैसे ID और पासवर्ड बनता है IRCTC का, ठीक है। तो ID पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, मतलब जहाँ से आप जाना चाहते हो, जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली टू अमृतसर यहाँ पर डाल देता हूँ। जहाँ पर भी आपको जाना हो अपना डेस्टिनेशन यहाँ पर अपना कर लेना सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर बोला डेट। अब दोस्तों, जिस डेट को आपको टिकट चाहिए उस डेट को आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे मैं देखो 20 नवंबर को यहाँ पे मैं टिकट को बुक कर रहा हूँ कंफर्म, तो यहाँ पर मैं डेट कर लूँगा सिलेक्ट। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब जितने भी ट्रेन दोस्तों आपके रूट के तरफ अवेलेबल होंगे, सारे ट्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि AC चेयर वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर दिखा देगा कि इसके अंदर सीट खाली है कि नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है 107 सीट खाली है 20 तारीख का, और यहाँ पे 28 को देखो दोस्तों यहाँ पे 114 सीट यहाँ पे खाली है। अगर आपको यहाँ पे AC चेयर नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर जो है दूसरा भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप सेकेंड सीटिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप सेकेंड सीटिंग भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको दोस्तों टिकट कंफर्म करना है, जो भी आपको टिकट लेना है, वो आप यहाँ पर ले सकते हो। बाकी अगर आपको स्लीपर में बुक करना है, तो यहाँ पर स्लीपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर देखो स्लीपर है, ये AC 3rd इकोनॉमी है, बाकी AC 3 ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आप टिकट कंफर्म करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हो सिलेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो स्लीपर बुक करने वाला हूँ 20 तारीख का, यहाँ पर अभी 221 सीट खाली यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पर आप किराया आप देख सकते हो कि जितना भी किराया अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसको यस कर देना है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। इसको यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना है, जिसको भी ट्रैवल करना है, उनका एज यहाँ पर आएगा, उनका जेंडर यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, अगर आपको देखो अगर आपको और भी पैसेंजर इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पर आप ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पैसेंजर को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी, अगर आपने इसके अंदर रजिस्टर किया होगा तो वो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप करवाना चाहते हो, तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो आप इसको नो कर सकते हो। इंश्योरेंस आप ले लेना, क्योंकि देखो 1 रुपये से कम का ये इंश्योरेंस होता है, 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, 1 रुपये से कम का ही ये इंश्योरेंस होता है, तो ये आप इंश्योरेंस ले लेना। अगर खुदा ना खादसा अगर कुछ ट्रैवल के समय हो जाता है, तो ये इंश्योरेंस वहाँ पर जो है बहुत आपका फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे आके आपको पेमेंट कैसे करना है इसका, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR कोड या फिर पे ऑन डिलीवरी, इस वाले ऑप्शन से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। लेकिन इसके अंदर आपका जो है 15 रुपये प्लस GST चार्ज इसके अंदर आपका लगेगा। अगर आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को करना है सिलेक्ट, और यहाँ पर आपका 10 रुपये प्लस GST इसके अंदर चार्ज आपका लगेगा। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखो आपका ट्रेन का नाम यहाँ पर शो होगा, आपका ट्रेन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हो, वो डेस्टिनेशन यहाँ पर आपको शो होगा, जहाँ से आप जहाँ तक का ट्रैवल करना चाहते हो। यहाँ पर आपका टाइम शो होगा, 7 घंटे 20 मिनट का ये सफ़र होगा आपका, और यहाँ पर अभी अवेलेबल 221 सीट इसके अंदर खाली है, ठीक है।
अब इसको दोस्तों पेमेंट करना आपको, तो कितना पेमेंट करना आपको, देखो 385 रुपये पेमेंट हो रहे थे, बाकी यहाँ पे जो है जीएसटी और ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट लाके 397 रुपीज़ यहाँ पर आपको टोटल पे करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है, नीचे आपको पैसेंजर डिटेल्स आपका दिखेगा, आपका नाम, आपका एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपका टिकट यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा और आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगा टिकट का पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड करके फिर दोस्तों आप इसको ट्रैवल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप कन्फर्म टिकट आप जो है बुक कर सकते हो। तो हमारी वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।